जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हर महीने एक या दो बच्चे भाग जाते हैं तो पकड़ में नहीं आते। हेमू के बदले कृष्णा दे तो रही हूं मैं आपको। वो औरत सही नहीं है, मैं जानती थी। बच्चे बेचना सपने में भी नहीं सोच सकती। वहां के बच्चों मुझे कह रहे थे कि जज मुझे सजा सुनाएंगे और फिर मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है कृष्णा। तुम देख लेना, सच सामने आ जाएगा, सब बात खुल जाएगी। हाँ, ललिता को सजा भी होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे कृष्णा, डरना मत। जैसे ही छोटू दवाई देगा तुम छूट जाओगे। छोटू दवाई देगा मतलब उसे होश आ गया? होश आया नहीं है पर जल्दी आ जाएगा। अंकल, वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसका ठीक होना बहुत जरूरी है, उसी की गवाही से हम ये केस जीत सकते हैं। मैं जाके छोटू का बयान लेकर आती हूँ। अरे मैंने कहा ना उसे होश नहीं आया। लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। लगने से क्या? सुनिए ना, प्यार से मुझे अच्छी वाली आंटी कह के बुलाता है। अगर मैं उसे बताऊंगी ना कि उसका दोस्त बहुत मुसीबत में है, वो होश में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे कोशिश तो करने दीजिए। आप फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी और हम सब है तुम्हारे साथ। मैं अभी गई और अभी आई। छोटू, ए छोटू, देख मैं आज तुझे मिलने आई हूँ। बहुत देर कर दी ना मैंने, I'm sorry। लेकिन क्या करती, मैं भी फंस गई थी ना। तुझे पता है छोटू, कृष्णा को ना तुम्ही को धक्का देकर मारने की कोशिश करने के इल्जाम में फंसाया गया है। My Lord, मेरे काबिल दोस्त ने अदालत के सामने जो दलीलें पेश की हैं उसमें एक सोचने और समझने वाली बात है। क्या जरूरत थी कृष्णा को ये सब करने की? क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं मेरे काबिल मित्र? माय लॉर्ड, कृष्णा एक बहुत ही तमीज वाला समझदार बच्चा है जो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। गलत, बिल्कुल गलत। सच्चाई तो यह है माय लॉर्ड कि कृष्णा छोटू से बड़ी बदतमीजी से पेश आता था। वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता था। छोटू जब तक उसकी बात मानता रहा चलता रहा। छोटू एक पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा मासूम। एक दिन जब उसने कृष्णा की बात को मानने से इनकार कर दिया तो कृष्णा को गुस्सा आ गया। अपनी बात मनवाने के लिए वो छोटू को घसीटता हुआ छत पर ले गया, लेकिन छोटू ने उसकी बात नहीं मानी तो कृष्णा ने छोटू को छत से धक्का दे दिया। तुम्हें लगता है कृष्णा ऐसा कर सकता है? मैंने देखा है ना, वो तुमसे और तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि कृष्णा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ? नहीं ना, उठो बेटा। हाँ? जल्दी से उठ जाओ, आंखें खोलो और सच कह दो। साहब, एक भोले भाले बच्चे को फंसाया जा रहा है, बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है।
उस अनाथ आश्रम में कई गैर कानूनी अवैध काम किए जाते थे, यहाँ तक कि बच्चों का राशन तक बेच दिया जाता था, रोजमर्रा की चीजें भी मुहैया नहीं कराई जाती थी उन मासूम बच्चों को। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेरे काबिल दोस्त हदों को पार कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि इस खेल का सारा मास्टरमाइंड ये कृष्णा है। ये सारी कहानी इस कृष्णा की रची हुई है। वैसे देखा जाए तो इसमें कृष्णा का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे का बाप का ही अता पता ना हो। हमें इससे बात कीजिए। बाप होने ना होने का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर अशोक आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। This is contempt of court. आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चलो उसकी तरफ से गवाही दे दो। हाँ? चलो चलो मेरे साथ। कह दो सबसे कि ये सब झूठ है। हाँ? कह दो कि कृष्णा ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें धक्का नहीं दिया। कह दो कृष्णा की कोई साजिश नहीं है इसमें। ए छोटू, छोटू उठो ना, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो बेटा। छोटू उठो ना, देखो तुम नहीं आओगे ना होश में तो कृष्णा फंस जाएगा, उस जुर्म की सजा भुगतेगा जो उसने किया ही नहीं है। ए छोटू मेरी बात सुन रहे हो ना, छोटू मेरी बात सुनो ना, छोटू आंखें खोलो ना, छोटू उठ ना, छोटू मेरी बात सुन, छोटू आंखें खोल, हमें कृष्णा को बचाना है। कृष्णा को जरूरत है बेटा तुम्हारी, छोटू आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, हमें जाना है, हमें क्या करें मैम आप? कृष्णा की तरफ से छोटू मैम आप क्या करें? ये उठ क्यों नहीं रहा, डॉक्टर इसे उठाइए ना प्लीज। छोटू कोमा में चला गया है। अदालत को गवाह चाहिए होते हैं जो आपके पास नहीं है। तमाम दलीलों के मद्देनजर यह अदालत कृष्णा माला की बेल निरस्त करती है और उसे 7 दिन के लिए बाल सुधार गृह भेजने के आदेश जारी करती है। हेलो कृष्णा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।